नमस्कार। तो एक बार फिर एक नया पहर है और एक बार फिर हम हाजिर हैं अपना खास कार्यक्रम लेकर, मेरा गांव मेरा देश यूपी एडिशन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी विधानसभा की जो चर्चा में खूब रहती है, क्योंकि वहां का खर्चा और पर्चा भरने वाले विधायक दोनों ही दुरुस्त हैं। तबीयत ठीक है, लेकिन क्या वहां की जनता खुश है अपने विधायक के कामों से, इसको लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे विधायक जी के लिए हुए, गोद लिए हुए गांव के। क्या गोद लिए हुए गांव का लालन पालन विधायक जी कर पाए या फिर सिर्फ कागजी बातें रह गई? क्या सिर्फ विधायक जी कागजों में लिख पाए कि ये उनका गोद लिया हुआ गांव है, या फिर सही में जिस गांव को गोद लिया था उसका लालन पालन किया, या सिर्फ यूं ही बातों में बात रखती? तो ऐसे में जानकारी लेंगे कि क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है। तो आज बात हम कर रहे हैं अदब के शहर की, आज बात हम कह रहे हैं तहजीब के शहर की, आज बात हम कर रहे हैं लखनऊ की। जी हाँ, लखनऊ, अपनी अदब तहजीब और तमीज के लिए जाने जाने वाला लखनऊ। तो लखनऊ वो जगह है जो कि देश के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य की राजधानी है, लखनऊ। लखनऊ की एक विधानसभा है जिसका नाम है बख्शी का तालाब। सुनने में बड़ी सुंदर लगती है कि बख्शी का तालाब, लेकिन विधानसभा की तस्वीरें क्या दिखाती हैं, तस्वीरें खुद आपके सामने हैं। ये बख्शी का तालाब का बकरू गांव है जिसको कि विधायक जी ने गोद लिया था। गोद जब लिया था तो लगा था कि विधायक जी अगर किसी को पालेंगे तो उसका तो कायाकल्प हो जाएगा, लेकिन विधायक जी के पाले हुए गांव में आज क्या तस्वीर है, क्या कुछ दिख रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ताजा तस्वीरें हैं, बिल्कुल कोई बासा तस्वीरों के साथ नहीं किया गया, कोई छेड़छाड़ नहीं, ताजी तस्वीरें आपके सामने बख्शी के तालाब के बकरू गांव की, जिसको कि विधायक जी ने गोद लिया था। जब विधायक जी ने गोद लिया था तो गांववासी कहते थे कि भाई अब तो विधायक जी के अंडर में आ गए हैं, विधायक जी की कायाकल्प अब होगा इस गांव का, विधायक जी की छत्र छाया में जो आ गए हैं। लेकिन ये हाल है। इसके साथ ही एक और चर्चा करेंगे, 2012 के बाद परिसीमन में ये जो सीट है बख्शी का तालाब यह अस्तित्व में आई। 2012 में इस पे पहला कब्जा जमा लिया समाजवादी पार्टी ने, ऐसा सोच रहे थे लोग, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यह ऐसी सीट है जिसको कि 2012 में जीता था बहुजन समाज पार्टी ने। जी हां, 2012 में जहां सपा की लहर नजर आ रही थी, लेकिन सपा की लहर में यहां से बसपा के नेता जीत गए। तो अविनाश त्रिवेदी यहां के सिटिंग एमएलए हैं, 2017 में बंपर वोटों से जीते। मोदी लहर का असर भी कहा जा सकता है, योगी लहर अब क्या इसमें कुछ जोड़ेगी सीटों में या फिर क्या कुछ करेगी, इसको जानेंगे समझेंगे। अविनाश त्रिवेदी 2017 में विधायक बनते हैं, इससे पहले 2012 में सपा की सीट थी, लेकिन 2017 में नकुल दुबे बीएसपी से सेकंड नंबर पर रहे थे, 17,584 वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा। थर्ड नंबर पर रहे थे समाजवादी पार्टी। तो अभी तक इस सीट का अगर इतिहास खंगालेंगे जानेंगे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि 2017 में जहां बीजेपी टॉप थी, वहीं दूसरे नंबर की रनर अप पार्टी थी बीएसपी, लेकिन 2012 में जब परिसीमन हुआ तब समाजवादी पार्टी यहां पर किला फतेह कर ले गई। यहां की 2017 की अगर वोटर्स की बात करूं तो 2017 में जो अनुमानित वोटर्स थे वो थे लगभग 3,75,000। इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि वोटर्स की संख्या में इजाफा होगा, वो देखेंगे, उस समय बताएगा, लेकिन चुनाव मौजूद हैं, चुनाव नज़दीक हैं। अब चुनावों में मतपेटियां खुलेंगी तो क्या अविनाश त्रिवेदी की एक बार फिर से किस्मत खुलने जा रही है? अविनाश त्रिवेदी ने कितना कुछ काम किया, इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले आपका तारुफ करा देता हूं, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, अतुल मिश्रा साहब हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और साथ ही अतुल शुक्ला जी हैं जो कि पक्ष रखेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो सबसे पहला सवाल अतुल मिश्रा जी आपसे है। अतुल मिश्रा जी, बख्शी का तालाब 2012 परिसीमन हुआ, समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ, इसके बाद 2017 में आपके नेता यहां से विधायक बने, नाम अरविंद त्रिवेदी, अविनाश त्रिवेदी। तो अविनाश त्रिवेदी जी ने क्या कुछ काम कराया है एक बार में अगर बता सके तो, सिर्फ एक काम बताइएगा जिसको लेकर आपको फख्र होता हो कि ये काम जो था अविनाश त्रिवेदी साहब ने कराया और इसको लेकर जनता बहुत खुश है और एक बार फिर बंपर वोटिंग होने जा रही है। नमस्कार 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 मैं सब, आपने बात उठाई माननीय विधायक जी के ऊपर, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हमारे क्षेत्र में लासा देवी स्थान है जहां पर 50 लाख का जीर्णोद्धार हुआ है,
जो वर्तमान समय में एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है लासा देवी स्थान पर, और उस तराई के क्षेत्र में पूरा क्षेत्र भाजपा के पक्ष में है और वहां पर खुशी का माहौल है। ये माननीय विधायक जी के द्वारा कराया गया एक ऐतिहासिक कार्य है। ठीक है, यह ऐतिहासिक कार्य जो है विधायक जी अपने स्वयं गोद लिए हुए गांव में क्यों नहीं करवा सके? तस्वीरें बिल्कुल आपकी बाजू वाली खिड़की में चली गई है। नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि गोद लिया हुआ जो लासा देवी स्थान है वहाँ 25 से 30 बीघे जमीन है और वह पास से जुड़ा हुआ गांव है। लासा देवी, लासा और अकरडिया और दुगरा आपस में जुड़े हुए गांव है और माननीय विधायक जी ने जिस गांव को गोद लिया है वहाँ पर 90% विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, सरकार की जो भी योजनाएं हैं लगातार सारी योजनाओं का लाभ उस गांव के 100% लोगों को प्राप्त हो रहा है। ऐसा कागजों में है कि असलियत में है? नहीं, असलियत में है, क्योंकि मैं क्षेत्र का, मैं संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ किसान मोर्चे से। मैं लगातार गांव-गांव जाता रहता हूँ और गांव के प्रत्येक व्यक्ति से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, ये तस्वीरें जो आपकी बाजू वाली खिड़की में चल रही है ये उसी गाँव की तस्वीरें हैं? नहीं, ये उसी के गांव की तस्वीर नहीं है, उसे नदी के किनारे की तस्वीर है, उसे गांव की तस्वीर नहीं है। अच्छा, ये गांव की तस्वीर नहीं है। और वो जो आसपास की जो बसावट है, आसपास जो बने घर हैं, वो तो ये दिखाते हैं कि गांव की तस्वीर है। आप समझिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो जो दुगरा गाँव बसा हुआ नदी के किनारे बसा हुआ है, मतलब तस्वीरें तो वही है उसी गाँव। हर साल बरसात हो, गांव के आसपास की है जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, गांव के अंदर की तस्वीर नहीं है। गांव के अंदर की तस्वीर और दूसरी क्या है? बात जो गांव के अंदर की आप बात करेंगे ना, तो ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है। ग्राम प्रधान का काम है निचले स्तर के स्वच्छ सफाई करना है। माननीय विधायक जी अपनी तरफ से स्वच्छता अभियान, जो वहाँ की रोड, जब माननीय विधायक जी विधायक बने थे सबसे पहले दुगरा गांव की रोड बनवाने का कार्य किया था। जब आप ग्राम प्रधान पर सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं तो विधायक जी ने फिर गांव को गोद क्या लिया था? चंदन टीका लगाने के लिए? किस लिए गांव इसलिए गोद? नहीं, गांव को इसलिए गोद लिया था माननीय विधायक ने, जो सरकार की योजनाओं से वंचित है, जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, उन योजनाओं को लाभ गरीब किसानों तक पहुँचाया जाए। पहुँचाएंगे कैसे? सड़क और वर्तमान में गलियां देख रहे हैं? सड़क ऐसा नहीं है सारी सड़कें वहाँ, आपने एक सड़क उठाई, सारी सड़कें वहाँ की नहीं उठाई है। अच्छा, ठीक है, उदाहरण के तौर पर आपने एक सड़क उठा ली है, वहाँ पर और सड़कें बनी हुई है और दो तीन सड़कों का जीर्णोद्धार माननीय विधायक जी ने कराया है। और एक ताजा उदाहरण और आपको बता दे, वर्तमान में जो है वहाँ पर 12,000 लाइन निकली हुई थी और उस लाइन का भी कार्य माननीय विधायक जी के द्वारा कराया गया है। ठीक है, ग्राम सभा दुगरा में। ठीक है, मतलब आपको अच्छा अच्छा काम जो दिखा वो आप बता रहे हैं। ठीक है, सेकंड राउंड में आपसे और बातचीत करेंगे। हमारे साथ अतुल शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। नहीं, बिल्कुल सेकंड राउंड में आपके पास आऊंगा। अतुल शुक्ला साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता हैं। अतुल साहब, आप स्थानीय भी हैं और विपक्षी पार्टी से भी हैं, आरोप भी आप लगाएंगे और हो सके तो सच भी आप बताएंगे। बताइए, जो नेताजी कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वो तो बता रहे हैं कि विकास की दरअसल बयार बही है, विकास की दरअसल गंगा नहीं बही है, विकास की तो दरअसल सुनामी आई है इस एरिया में, इस इलाके में। क्या कहते हैं? इनकी कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है और जो है सामने प्रदर्शित कुछ करते हैं। इनका जो भी कार्य होता है सिर्फ कागजों में ही चलता है। साथ ही इनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि पंचायत में, चाहे वो सदस्य हो, चाहे वो पंचायत का प्रधान हो, चाहे क्षेत्र का विधायक हो, चाहे गांव का आम नागरिक हो, चाहे वो सांसद हो, हर व्यक्ति का दायित्व तो है कि अपनी पंचायत को साफ सुथरा रखने का प्रयास करे। और रही बात दुगरा गांव की, तो वो जहां 2007 में रहा हो, चाहे वो 2012 में रहा हो, चाहे वो 2017 के चुनाव में रहा हो, तब से लेकर के आज भी वही स्थितियां उस गांव में बनी हुई हैं। गोद लेने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। गोद तो सिर्फ नाम के लिए लिया जाता है, चाहे वो दोहरा गांव विधायक जी के द्वारा लिया गया हो या माननीय गृह मंत्री के द्वारा लिया हुआ हमारा जो है ये दुर्जनपुर गांव हो, वहां की भी स्थिति बहुत दयनीय है। और
सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, काम जमीन पर जब दिखाई पड़ेगा तभी तो कहा जाएगा कि हाँ विधायक जी ने जो है इसको गोद लिया और साफ सुथरा गांव कर रखा है। शुक्ला जी 2012 परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई, हालांकि आपकी पार्टी अभी तक यहाँ अस्तित्व में नहीं आई है ऐसा कहा जाता है, लेकिन अगर आपकी पार्टी अस्तित्व में आती है, अगर आपकी पार्टी जीतती है किसी भी गुणा भाग के जरिए, तो यहाँ के लिए आपके पास है क्या, बख्शी का तालाब की जनता के लिए आपके पास क्या कुछ है? सबसे पहली बात तो ये है कि बख्शी तालाब का जो ब्लॉक है वो उसका परिदृश्य बहुत बड़ा है, और यहाँ पे माननीय सपा सरकार में माननीय अखिलेश जी ने कहा था कि कुमरावा ब्लॉक का गठन किया जाएगा, जो नहीं किया गया 2012 में आकर के यहाँ घोषणा की थी बख्शी तालाब में। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ बख्शी तालाब में दौराबाग में दीनदयाल संस्थान में आके घोषणा की थी कि कुमरावा ब्लॉक का गठन किया जाएगा। नई पंचवर्षीय 2000 चुनाव पंचवर्षीय व्यवस्था के अनुसार चुनाव हो गए लेकिन कुमरावा ब्लॉक का गठन नहीं किया गया। अगर कांग्रेस का विधायक बनता और सरकार, मतलब सेल जो है वो कांग्रेस के यहाँ भी लगी हुई है, सेल तो कांग्रेस के यहाँ भी लगी हुई है जी, ये चुनावी जो त्योहार है उसके चलते हर पार्टी सेल लगा रही है, तो मतलब आपके पास भी सेल में सामान है। चलिए बहुत बढ़िया, दूसरे राउंड की शुरुआत करेंगे, बख्शी का तालाब में क्या कुछ हाल है उसको जानेंगे समझेंगे। तो बख्शी का तालाब की हम बातचीत कर रहे हैं, यहां से विधायक हैं अविनाश त्रिवेदी साहब। तो अविनाश त्रिवेदी साहब की अगर कारगुजारियों पर नजर डालते हैं तो काफी कुछ निकल कर मिल जाता है, अगर यूट्यूब के तहखाने में भी जाते हैं तो भी काफी कुछ मिल जाता है, अगर थोड़ा पढ़ते हैं लिखते हैं तो भी काफी कुछ मिल जाता है, अखबारों की पुरानी कटिंग उठाते हैं तो भी काफी कुछ मिल जाता है। तो विधायक जी की चर्चा जो है वो तो दुरुस्त है, पर्चा दोबारा भरेंगे ही, लेकिन खर्चा क्या है इस पर भी जानकारी जो हम जुटाएंगे। तो आपको बता दें कि करोड़ों के मालिक हैं एसेट के नाम पर, एसेट के नाम पर करोड़ों की इनके पास संपत्ति है, लाइबिलिटीज भी कुछ हैं, लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि कोई क्रिमिनल केस नहीं है, मतलब कोई मुकदमा जो है वो विधायक जी के ऊपर नहीं चल रहा है। अब विधायक जी के ऊपर मुकदमा चलेगा भी कैसे, 2-3 साल पहले एक तस्वीर आई थी जब विधायक जी के सामने SDM साहब हाथ जोड़ रहे थे, इसलिए हाथ जोड़ रहे थे क्योंकि जब विधायक जी एक टोल से निकल रहे थे तो वहां पर जो टोल कर्मी था उसने विधायक जी को पहचानने से इनकार कर दिया, और उसकी गुस्ताखी महज इतनी थी कि उसने विधायक जी से उसका आई कार्ड मांग लिया, जिसके बाद क्या था विधायक जी नाराज हो गए। विधायक जी नाराज हुए तो पूरा प्रशासनिक अमला वहां मौके पर पहुंचा, SDM साहब ने तो हाथ जोड़कर माफी मांग ली, इसके साथ ही दरोगा भी वहां मौजूद थे, दरोगा भी गिड़गिड़ाते नजर आए। ऐसे में विधायक जी ने सीधे तौर पर कह दिया कि वो तो ठीक है कि बहुत भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो लात घूंसे चल जाते, तो ये विधायक जी का कथन था, इसको भी सुनाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ और भी विधायक जी की जो खबरें हैं काफ़ी चर्चा में रही हैं, विधायक जी एक रैली को अटेंड कर रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी की नाम की वो रैली थी उसको अटेंड कर रहे थे, वहाँ पर उनकी पार्टी का एक सदस्य जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र भी है, छात्र नेता है और साथ ही साथ BJP से ताल्लुक़ रखता है, उनकी रैली में मौजूद था, उसके ऊपर मारपीट का मुकदमा चल रहा था, पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस जब उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करती है तो विधायक जी समेत उनके गुर्गे पुलिस पर हमला कर देते हैं और मारपीट हो जाती है, ये भी चर्चा का विषय रहा, जिसके बाद पार्टी आलाकमान की तरफ से कहा गया कि इस पर जाँच की जाएगी। जाँच के बाद क्या कुछ निकला ये तो आज तक नहीं पता लगा, क्योंकि देश में ऐसी कई जांचें होती हैं जिसमें कहा जाता है कि CBI अब जांच करेगी, कहा जाता है कि अब ED जांच करेगी, कहा जाता है कि अब बड़ी बड़ी देश की जो एजेंसियां हैं वो जांच करेगी, जब तक वो जांच करती हैं तब तक चहल पहल रहती है, लेकिन उसके बाद क्या कुछ होता है वो आज तक समझ नहीं आया कि जांच गई तो गई कहाँ, फाइल बंद हुई तो हुई कहाँ। विजय कुमार साहब समाजवादी पार्टी से हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब सपा का पक्ष रखेंगे, BJP के जो नेता जी हैं वो यथावत हमारे साथ मौजूद हैं, तो सेकेंड राउंड की शुरुआत करेंगे। अतुल मिश्रा साहब, अगर मैं कहूं अतुल मिश्रा साहब कि 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी ने जो यहां पर विधायक जी थे उन्होंने जो कुछ किया उसमें कमी के नाम पर सबसे पहली चीज क्या है कि आपको लगी कि सपा की सरकार में ये जो था काम ये सबसे गड़बड़ हो रहा था? सपा की सरकार में कोई कार्य ही नहीं, विधायक जी गुम थे, विधायक जी दिखाई नहीं पड़ते थे क्षेत्र में, ठीक है, वो पर्चा तो आपके नाम का भी छपा था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक पर्चे छपवाए थे जिन पर आपने मुकदमा भी किया था जिसमें कहा गया था कि विधायक जी लापता हैं। पर्चे, वो पर्चे छपवाना दूसरी बात है, हमारे माननीय विधायक जी कोरोना काल से लेकर लगातार क्षेत्र में दिखाई पड़ते हैं, छोटे बड़े प्रत्येक कार्यक्रम में दिखाई पड़ते हैं, जन जन के बीच में पहुंचते हैं,
और ये तथाकथित बातें तो चलती रहती हैं, जैसे अभी आपने दो तीन बिंदुओं पर चर्चा की है, लेकिन संयोग बस वो दो तीन घटनाओं पर मैं स्वयं उपस्थित रहा हूँ और कथनी करनी में जो बताया गया ना दिखाया। आप जो कहने जा रहे हैं मैं समझ गया, आप क्या कहने जा रहे हैं, आप जो कहने जा रहे हैं वो मैं समझ गया कि आप क्या कहने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज पर बता दीजिएगा मुझको, अपना बताइएगा कि 2012 से लेकर 2017 तक जब तक सपा का शासन था तब गुंडागर्दी थी या नहीं थी? बहुत ज्यादा गुंडागर्दी थे, 50 बार हमको थाना घेराव करना पड़ा लगातार संगठन के साथ में, लगातार किसी व्यक्ति को न्याय ही नहीं मिल रहा। बख्शी का तालाब में, बख्शी का तालाब में सपा के कार्यकर्ता गुंडई करते थे, हाँ या ना? सपा के कार्यकर्ता गुंडाई करते थे या नहीं, लेकिन क्षेत्र में माहौल ऐसा था, मतलब ठीक है, मतलब सपा के लोग गुंडागर्दी नहीं करते थे, बख्शी का तालाब में कम से कम गुंडागर्दी नहीं थी। नहीं, गुंडागर्दी देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरे क्षेत्र की, मैं अपनी विधानसभा की बात करूं, आपकी विधानसभा की ही बात कर रहा हूं, आपकी विधानसभा में मतलब सपा के शासन में गुंडागर्दी नहीं थी। हाँ, नहीं, मैं एक बात बता दूं ना, हमारे क्षेत्र का जो स्थानीय सिस्टम है, जो भी है, समाजवादी से है, बहुजन समाजवादी से, भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, लेकिन वास्तव में सभी लोग धरातल से जुड़े, ऐसा माहौल नहीं रहा है, और लेकिन गुंडागर्दी जरूर रही है, थाने में सुनी नहीं जाती थी लोगों की, ठीक है, जो काम होते थे तुरंत कार्य नहीं होते, आज से साधारण व्यक्ति भी जाता अपना काम कराने के लिए थाने में, उसकी सुनवाई होती, उसका काम तुरंत हो रहा है, ठीक, उसकी समस्या सुनी जा रही है, काम तो होगा ही, ठीक है। आपने कहा कि गुंडागर्दी थी लेकिन उतनी नहीं थी, ठीक है, पहली दफा देखा है कि बीजेपी के एक नेता बैठकर बताते हो कि सपा के शासन में इतनी गुंडागर्दी उनकी विधानसभा में कम से कम नहीं थी, तो क्या गुंडागर्दी अब बढ़ गई है? क्योंकि अविनाश त्रिवेदी साहब का, अविनाश त्रिवेदी साहब का 2-3 साल पहले का एक वीडियो खंगालेंगे तो निकलेगा कि अविनाश साहब जो थे एक रैली में जा रहे थे, एक कार्यक्रम में जा रहे थे, वहां पर पुलिस का एक दरोगा पहुंचता है, एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है जिस पर मारपीट का आरोप था, वो छात्र नेता था लखनऊ यूनिवर्सिटी का, उसको जब गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं दरोगा साहब, तो पता चलता है कि जो विधायक जी के गुर्गे थे वो उनके साथ मारपीट कर देते हैं, जिसके बाद पार्टी आला कमान को उनके ऊपर जांच बैठानी पड़ती है। अविनाश त्रिवेदी साहब वही विधायक हैं जब वो टोल से निकल रहे थे, टोल कर्मी ने उनसे कहा पास दिखाओ, इतनी बात से नाराज हो गए, पूरे प्रशासनिक अमले को वहीं बुला लिया, एसडीएम साहब माफी मांगते हुए नजर आए, जिसके बाद विधायक जी ने कहा कि सही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर सपा की सरकार होती तो लात घूसों से भांज देते। एक मिनट, मतलब सपा के काल में गुंडई नहीं थी, आपके काल में गुंडई नजर आ रही है, मैं बस इतना सवाल है भाई साहब। नहीं, आपकी दोनों बातें निरर्थक है, मैं दोनों पॉइंट पर मौजूद था और माननीय विधायक जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया टोल पर, वो सीधे अपने परिवार के साथ में थे, उनकी पत्नी साथ में थी, परिवार साथ में थी, आईडी के लिए विवाद हुआ, लेकिन विधायक जी सीधे सीतापुर जाना था, सीधे सीतापुर चले गए थे, वापसी में मैं स्वयं उस मौके पर मौजूद था। एसडीएम साहब ने माफी नहीं मांगी, एसडीएम साहब को माफी नहीं मांगनी पड़ी थी? नहीं, ये विषय ही नहीं था एसडीएम साहब का, ये बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा माननीय विधायक जी पर, ऐसा विषय ही नहीं था, एसडीएम साहब ने न इस विषय पर माफी मांगी, ना ऐसा कुछ विषय था, ठीक है, एसडीएम साहब ने माफी नहीं मांगा। आरोप लगाएगा जो दूसरा विषय आपने बताया, दूसरा विषय आपने जो आरोप लगाया, लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र था जो उस समय पर, जो उस समय दरोगा की गलती थी उस जगह पर, तब भी हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको छुड़ा के हम लोग अपने कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से करा रहे थे कि कार्यक्रम का माहौल ना खराब हो, ठीक है, अगर ठीक है, आपने कहा कि एसडीएम साहब का तो जिक्र ही नहीं था टोल प्लाजा वाले मैटर पे, अपने साथी से कहूंगा कि थोड़ा सा क्लोज शॉट लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, नहीं आप सही कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एसडीएम साहब का तो जिक्र ही नहीं था, मतलब नहीं था, तो एक पुरानी एक वीडियो था मेरे पास, मैटर में एसडीएम साहब का जिक्र नहीं था, नहीं नहीं एसडीएम साहब का कहीं जिक्र ही नहीं था, ठीक है, एक बहुत बहुत क्लोज शॉट लीजिएगा जरा, इसका बहुत क्लोज शॉट लीजिएगा, एक क्लोज शॉट लीजिएगा, ठीक है, एक क्लोज शॉट लीजिएगा, इसमें तस्वीरें देख रहे हैं, ये अविनाश त्रिवेदी साहब ही हैं, ये अविनाश त्रिवेदी साहब ही हैं विधायक जी, ये एसडीएम साहब है ना माफी मांग रहे हैं, ये एसडीएम साहब ही हैं कि माफी मांग रहे हैं कि नहीं, ये कहां का वीडियो है, ये कहां का वीडियो नहीं है, ये अविनाश त्रिवेदी साहब ही हैं और ये एसडीएम साहब हैं जो माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके टोल कर्मी से गलती हुई है, उसके लिए मैं माफी मांग रहा हूं, अब आप माफी मांगिए, ये कहां का वीडियो, ये कहां का वीडियो है भाई साहब, वहीं का वीडियो है, ये वहीं का वीडियो है, आपने कहा कि एसडीएम साहब का कोई जिक्र नहीं था, तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि एसडीएम साहब का जिक्र था, एसडीएम को वहां पर आना पड़ा, एसडीएम को वहां पर आकर माफी मांगनी पड़ी, नहीं आए थे, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, आपको वीडियो दिखा रहा हूं, ठीक है, आपको वीडियो दिखा रहा हूं, वहां पर नहीं, अरे आपके वीडियो
नहीं कतई मैं मौजूद था उस मौके पर, मैं स्वयं मौजूद था उस मौके पर। आप मौके पर नहीं होंगे फिर शायद। मैं स्वयं मौजूद था इसलिए मैं। आप ऑडियो भी सुन लीजिए, ऑडियो भी सुन लीजिए, आप ऑडियो भी सुनिएगा। ठीक, आप ऑडियो नहीं, आप ऑडियो भी सुनिए। अब आप कह रहे हैं कि एसडीएम साहब थे ही नहीं, तो आपके झूठ को इस तरीके से चलने नहीं दूंगा ना। ठीक है, शॉट लीजिए, कैमरे पे लीजिए जरा, कैमरे पर लीजिए जरा, ये आवाज सुनिए, आप ऑडियो सुनिए। ठीक है, तो टोल कर्मियों के लिए शब्द हैं, बड़े ही अच्छे ताने बाने से बुने हुए शब्द हैं। विधायक जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार है तो बच गए, वरना टोल कर्मी साहब यहीं लात घूंसों से सेवा हो जाती। तो ये मैं बता रहा था आपको, इसके अलावा मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। आप शायद यहाँ पर मौजूद नहीं थे। नहीं कहा, लेकिन ठीक है, आप शायद यहाँ पर मौजूद नहीं थे। मैं स्वयं मौजूद था। ठीक है, नहीं आप मौजूद नहीं थे। आप अगर मौजूद होते तो आप फिर कैसे कह सकते थे? आप मौजूद होते तो आप कैसे कह सकते थे? चलिए ठीक है, अरे सुनिए बेटा, अरे सुनिए। नहीं नहीं नहीं, देखिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हो जाता है। आपने जो आपने विषय उठाया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। जहाँ पर एक घटना हुई, जो आपने विषय मुद्दा उठाया, उस समय अपने परिवार के साथ जा रहे थे एक शादी समारोह में, और सहयोग बस मैं मौजूद था। पीछे मुझको भी मुलाकात हुई थी, हमारी बातचीत हुई कि यार अतुल ऐसा ऐसा, वो सीधे निकल गए थे कार्यक्रम में उस समय। ठीक है, तो उसी के बीच की घटना का होगा। अब शायद उस वक्त मौके पर मौजूद ना हो, क्योंकि वीडियो तो हकीकत है ना, वीडियो तो हमने अपने एनिमेशन डिपार्टमेंट से नहीं बनवाया होगा। चलिए ठीक है, एक ऑडियो कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका ऑडियो लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, मेरा गाँव मेरा देश है। चलिए ठीक है, शायद कॉलर का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, उनसे दोबारा अपनी फ़ोन लाइंस जो हैं वो खुली हुई हैं। कोई भी बख्शी का ताला विधानसभा के जो भी लोग हों, जो भी दर्शक हमें देख रहे हों, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चुनावी माहौल पर क्या कुछ है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज बख्शी का तालाब जो विधानसभा है, उसमें जो चुनावी दावे और वादे जो 2017 में किए गए थे, उनको एक बार खोल रहे हैं, उनको एक बार फिर से खंगाल रहे हैं कि अब जो दावे और वादे हो रहे हैं, तो क्या पुराने दावे और वादे पूरे हो सके या नहीं हो सके, या हुए तो कितने हुए, काम कितना हुआ पूरा और कितना रह गया अधूरा, उस पर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अतुल मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से हैं। तो अतुल मिश्रा साहब कुछ कह रहे थे आप सफाई में, देखिए अब मैं आपको पूरी बात बताता हूं कि हमारे बीच में भी क्या बात रही। एक प्रीकैप दिखाता हूं आपको, जब पुराने चैनल हुआ करते थे दूरदर्शन पर तो एक प्रीकैप चलता था, वैसे बताता हूं। मैंने आपसे कहा कि 2012 से 2017 के बीच क्या गुंडागर्दी थी, तो आपने कहा प्रदेश में होगी लेकिन बख्शी का तालाब में उतनी गुंडागर्दी नहीं थी। तो मैंने कहा कि 2017 के बाद क्या गुंडागर्दी दिखी, तो आपने कहा बिल्कुल नहीं। तो मैंने बताया कि नहीं, दो मौकों पर हमने देखी जहां पर स्वयं विधायक जी मौजूद थे। तो ऐसी जगह पर अगर गुंडागर्दी दिख रही है और विधायक जी स्वयं मौजूद हैं, तो फिर मतलब सपा के शासन में गुंडागर्दी नहीं थी, आपके शासन में गुंडागर्दी है। ये बिल्कुल, और हर चीज प्रूफ के साथ हो रही है। आपने कहा कि विधायक जी के गोद लिए हुए गांव में काफी विकास हुआ, वो तस्वीर खिड़की पर चला रहा हूं। वर्तमान में जो है हमारे विधायक जी के द्वारा क्षेत्र में से बहुत सी रोडें बनाई गई हैं, बहुत से निर्माण कार्य हुए, लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं। उसके सारी हमारे पास डिटेल है, माननीय विधायक जी द्वारा कितने गाँव में काम हुआ है, और हमारे क्षेत्र के 80% जो जर्जर रोडें पड़ी थी उनको बनवाने का कार्य भी माननीय विधायक जी के द्वारा करवाया गया है। जहां पर लाइट की जरूरत हो वहां लाइट लगवाई गई, जहां नल की आवश्यकता वहां पर नल लगवाने का कार्य किया गया है, और लगातार क्षेत्र में जनता के साथ लगातार माननीय विधायक जी जुड़े रहते हैं और क्षेत्र की जनता के विकास के कार्य में लगातार सहयोगी बने रहते हैं। वर्तमान में सरकार की जो भी योजनाएं हैं, माननीय विधायक जी के पास जो भी पहुंचता है उनकी समस्या का निस्तारण होता है, और लगातार PWD गेस्ट हाउस में बैठकर माननीय विधायक जी हफ्ते में दो बार उन समस्याओं का निस्तारण करते हैं, क्षेत्र की समस्याएं सुनते हैं और लोगों की प्रत्येक समस्या का निस्तारण करने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और जो बिंदु है आपने बताया उन बिंदुओं पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो विषय है वास्तव में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे वर्तमान में सरकार के द्वारा जो भी बिना कुछ भेदभाव के सरकार की द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो जन जन तक पहुंचाई जा रही हैं, और जन जन तक उनका लाभ प्राप्त हो रहा है।
ठीक है, लखनऊ जो है वो ऐतिहासिक इमारतों से सराबोर है। ऐसे में एक और चीज़ है जो जाननी और समझनी होगी कि लखनऊ की ये विधानसभा है बख्शी का तालाब, यहाँ पर अगर जो पैमाने फिट किए जाते हैं, एक विधायक का अगर रिपोर्ट कार्ड हम बनाते हैं तो वहाँ पर जो पैमाने फिट हैं वो एजुकेशन हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, तो शिक्षा और इसके साथ ही साथ रोजगार को लेकर आपके द्वारा क्या काम किए गए हैं, इसके बाद हम कॉलर पर आएंगे। हेलो जी, मैं ये कह रहा हूँ कि शिक्षा को लेकर और रोजगार देने को लेकर आपने बख्शी का तालाब में क्या कुछ किया है? जी के देखिए 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 माननीय विधायक जी के द्वारा एक आईटीआई कॉलेज बना हमारे बख्शी तालाब क्षेत्र में, और लगातार वो इसके लिए प्रयासरत रहते हैं, और जो भी शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा की उच्च स्तर की शिक्षा हमारे बीकेटी विधानसभा में है, और लगातार लोगों की आधुनिक शिक्षा जो भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। एक आईटीआई कॉलेज माननीय विधायक जी के द्वारा बनाया गया, स्वास्थ्य के लेकर भी। आप उधर देखकर क्यों बोल रहे हैं, आंखों से आंखें मिलाकर देख के बोलिए। हाँ ठीक है, ना आंखें साके तो मिला रहे हैं भाई साहब, आंखें साके बिल्कुल मिला रहे हैं। जो वर्तमान में देखिये शिक्षा की व्यवस्था माननीय विधायक जी इसके लिए लगातार प्रयासरत है, और जो भी हमारे प्रयासरत हैं प्राथमिक विद्यालय है निचले स्तर पर, नहीं प्रयासरत नहीं, इस पे प्रयास चल रहा, लोग शिक्षित हो रहे, गांव के लोग बच्चे सारे बच्चे जागरूक हो रहे, स्कूल से जुड़ रहे, बढ़ते जा रहे, तो विकास जो है वो कभी ना खत्म होने वाला एक सिलसिला है। ठीक है, कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है नेताजी, कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दर्शकों को भी मंच देना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरा गाँव मेरा देश है में। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नाम बताइएगा। थैंक यू सर। जी नाम बताइएगा मैम। शेरपत जी। हेलो जी, शिल्पा तिवारी सर। जी शिल्पा जी, क्या कह रही हैं आप? ये बख्शी का तालाब का जो गुड़ा गणित भाग है वो सब खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। 2017 में जो दावे और वादे किए गए थे और 2022 में एक और बार जो दावों और वादों का जो सिलसिला वो शुरू हो रहा है, तो इनके बीच का जो वक्त रहा वहां बख्शी का तालाब में क्या कुछ हुआ? तो नेता मंच पर है इस वक्त जिनकी सरकार है, आप बताइए क्या कह रहे हैं जी। अगर हम बात करें शिक्षा व्यवस्था की तो बहुत ही ज्यादा ये शिक्षा व्यवस्था जो है वो चरमरा चुकी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो ये अविनाश त्रिवेदी जी हमारे विधायक हैं जो इधर उधर का काम फालतू का काम करते हैं, कागज पे सिर्फ काम करते हैं। फालतू का काम कौन सा करते होंगे विधायक? काम तो काम है, काम तो करते हैं पर वो सिर्फ कागज पर काम होता है उनका। अच्छा, कागज पर काम करते हैं, ठीक है ठीक है। तो आईटीआई कॉलेज दिया है बता रहे हैं अतुल मिश्रा जी, बता रहे हैं कि कॉलेज तो दिया है आईटीआई। जी जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज हम बख्शी का तालाब की बातचीत कर रहे थे, खंगालने की कोशिश कर रहे थे बख्शी का तालाब में आखिर कितना काम हुआ है और कितना नहीं हुआ है। 2017 में जो वादे और दावे कर एक बार अविनाश त्रिवेदी साहब पहली दफा विधायक बने थे, तो क्या 2022 में वादे और दावे जब वो दोबारा करने जा रहे हैं तो पहले जो वादे और दावे किए थे क्या वो पूरे हुए या फिर नहीं पूरे हुए? और जैसा कि नेताजी कह रहे थे कि हर चीज़ में प्रयासरत हैं, कभी ना खत्म होने वाला एक सिलसिला है, तो ये सिलसिला क्या पूरा करने की कोई कोशिश भी हुई या फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा चाहे कितने भी टर्म विधायक जी के पूरे होते रहे या ना होते रहे? फिलहाल मतपेटियां ही बताएंगी कि आखिर विधायक जी की किस्मत क्या कुछ कहती है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।